एक तो उठा के देखो तो भाई, हम कैमरा लेगा बढ़िया से। ये है पुती। ओ भाई इतना बड़ा है ना। ओ यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भी है मछली बहुत सारा। ये यहाँ पे भी है, यू कैन सी हियर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं हूँ अभी पासीघाट पे, चांगलांग से आ गया हूँ गाइस। परसों आ गए थे तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, आपको जो जयरामपुर का जो हिस्टोरिकल सेमेट्री लुक आपको दिखा के मैं अभी राइट नाउ आ गए थे। और अभी मैं हूँ पासीघाट एयरपोर्ट के पास, तो यहाँ पे अभी जस्ट राइडिंग कर रहे हैं और राइडिंग करके आपको थोड़ा दिखाएंगे इधर उधर घूम के। आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा धूप निकला हुआ है। तो चलिए अभी जाएंगे एंड वीडियो पे बने रहे, तो चलिए जा लेंगे। सो गाइस, बारिश गिरा था दिन को पहले, थोड़ा पहले बारिश गिर के अभी फिर धूप निकल गया है शाम के समय। राइट नाउ 4:32 हो चुका है अभी शाम के। तो चलिए गाइस बने रहे वीडियो पे और जाएंगे आज घूमेंगे इधर उधर थोड़ा राइडिंग करके। सबसे पहले जाएंगे मार्केट, मार्केट पे थोड़ा घूम के देखेंगे अभी के समय किस तरह सा है। पहुंच गया है मार्केट राइट नाउ, तो चलिए गाइस अंदर की ओर जाके देखते हैं। आज गैस यहाँ से जाके देखेंगे अंदर, ये सलून ग्राउंड का सामने पे है गैस। अभी कुछ टायर्स उस लगा के बनाया जा रहा था उस दिन, तो देखते हैं क्या है, क्या है बनाया जा रहा था यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन कुछ किया जा रहा था, तो चलिए जाके देख लेंगे। और यहाँ पे है ये बड़ा सा पॉन्ड है, तो यू कैन सी हियर बच्चे लोग यहाँ पे नहाते हैं, नहा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है छोटा सा पॉन्ड जैसा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भाई लोग मछली मार रहा है, मिला कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे है भाई लोग मछली मार रहा है, आप देख सकते हो मिला है मछली भाई। ओपो इतना बड़ा लो, तो क्या क्या मछली है ये पुती। ओ वाह इतना बड़ा है ना। यहाँ पे बना मार रहे हैं भाई लोग मछली, कितना मिला है एक तो, और वो भी है ना, यहाँ भी देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भी है मछली बहुत सारा। ये है पुटी मछली, टेंगरा मछली, केटफिश सब कुछ है। यहाँ पे बड़ा वाला देख सकते हो, यहाँ पे ये केटफिश गाइस, दिस वन बहुत मिला है भाई लोग, बंची मर रहे हैं ना। रोमोटो स्कूप सब्सक्राइब कर दो ना। सो भाई लोग है यहाँ पे साथ में, हेलो हाय। यहाँ पे है भाई लोग के साथ में पार्क, पार्क में अभी यहाँ पे मैं भी जस्ट घूम रहे होगा, मरते रहो ना। एक तो उठा के देखो तो भाई, हम कैमरा लेगा बढ़िया से। भैया पानी में मछली दिखाई है ना, पानी में है मछली है। ओ यहाँ पे है तो मछली ना, यहाँ में देखिए गैस मछली लोग, यहाँ पे छोटे छोटे से देख पा रहे कि नहीं, ये कि अंदर में है बहुत सारा मछली लोग। यहाँ पे है छोटा सा पॉन्ड, यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, तो यही है। तो होगा भाई लोग मरते रहो ना, हम ब्लॉग बना लेगा। तो रोमोटो स्कूप मोटो ब्लॉगिंग है मेरा, सब्सक्राइब कर दो ना होगा जगह दे। सो यही है गैस, ऐसे दिखाना था आप लोगों को भाई लोगों को मछली कितना मिला है, बंची मार रहे हैं, बहुत बढ़िया जगह है। मैं भी अभी पता चला, मैं तो डेट उस दिन तो रिसेंटली आए थे, तो रिसेंटली नहीं तो हो गया देर 3-4 महीना, तो कुछ इस तरह ये सब बना रहे थे। तो यही है अभी बहुत खूबसूरत हो गया है यहाँ पे समर के सीजन पर नहाने के लिए, तो गर्मी में ज़रा गर्मी में नहाने के लिए। तो यहाँ पे है कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे भी टाइल्स से बढ़िया से बना दिया गया है, यहाँ पे कुछ इस तरह से बड़ा सा ग्राउंड। तो चलिए गाइस एक चक्कर मारेगा यहाँ से, चक्कर मार के फिर जाएंगे। यहाँ पे भी है कुछ इस तरह से बनाया दिया गया है, ये इसे जस्ट वॉच करने के लिए
कुछ इस तरह से है यहाँ पे भी, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। कपड़े वपड़े चप्पल उप्पल घर के रहता है भाई लोग, छोटे छोटे भाई लोग, वो यहाँ पे कुछ इस तरह से बहुत बढ़िया है घर। यहाँ पे छोटा सा ऐसा घर बना दिया गया, घर था बोला यहाँ पे है। एंड हियर इज द पॉन्ड, बड़ा सा है, बहुत खूबसूरत है। तो चले गए, थोड़ा जा लेंगे, आपको दिखा लिया है यहाँ का जो बनाया था, रिसेंटली बनाया दिया गया है इसको भी, तो बहुत खूबसूरत है। और मैं भी बहुत दिन के बाद आज को आया हूँ परसों, तो देखा तो पूरा चेंज हो गया है। तो चलिए अभी जाएंगे, थोड़ा ब्लॉग बनाएंगे, इधर उधर घूमेंगे एंड आपको भी दिखाते हैं। तो चले गए, जा लेंगे आगे की ओर। तो आ गया हूँ मैं अभी मेन गेट पे, तो मेन गेट पे आ गया हूँ। और तगड़ा है रे बॉडी, यहाँ पे कुछ फूल लुक बना दिया गया है, यह फूल यहाँ पे पौधा, लेकिन जंगल उधर है, साफ सफाई करने से सस्ती होगा। यहाँ पे भी बैठने के लिए, हर जगह यहाँ पे बैठने के लिए बना दिया गया है, हैंग आउट करने के लिए, बहुत खूबसूरत है। सो ये जो एरिया है गाइस, सोलुंग ग्राउंड बोला जाता है इस जगह को, सोलुंग ग्राउंड, सोलुंग ग्राउंड के पास पे है, वहाँ पे है ग्राउंड जो सोलुंग ग्राउंड जो, यहाँ पे भी यहाँ पे है गेट। तो चलिए गाइस जा लेंगे अभी यहाँ से, अब तक दिखाएंगे आपको आगे की ओर। तो भाई लोग को बोल रहे थे सब्सक्राइब करने के लिए, यहाँ पे है भाई लोग नहा रहे, अच्छे से नहाओ ना, ज़्यादा देर तक मत नहाओ नहीं तो बीमार होगा। सो चलिए गाइस जा लेंगे अभी, बहुत खूबसूरत है पार्क यहाँ पे हैंग आउट करने के लिए शाम के समय, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आके जस्ट चिल आउट करने के लिए। तो अभी मैं हूँ मेन मार्केट पे, सोलुंग ग्राउंड वाला ये एरिया पे, और अभी जाएंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, तो हाई रीजन होके घूम के वापस वहाँ से चला जाएंगे अपने कॉलोनी की ओर। तो चलिए गाइस जा लेंगे अभी यहाँ से आगे की ओर, एंड देखते रहिए मेरा ब्लॉग एंड एंजॉय कीजिए गाइस। तो यहाँ से उठेंगे अभी हाई रीजन, यहाँ से पेडेस्ट्रियन के लिए यहाँ से वॉकिंग जा सकते हैं, बढ़िया है, और व्हीकल्स के लिए यहाँ से। और मुझे गैस यहाँ से जाना होगा, आगे से भी जा सकता था, आगे से शॉर्ट होना था कि, लेकिन वहाँ पे बनाया जा रहा है अभी रास्ते, तो यहाँ से राइट हैंड साइड से मैं जा के अभी निकल जाऊँगा फिर नेशनल हाईवे। तो वैसे तो स्लो पे डाउन है गैस, तो आज गैस अभी मैं पहुँच चुका हूँ चांगलांग से फसीघाट, तो बस राइडिंग थोड़ा आप लोगों को ब्लॉग दिखाने थे, देखो इवनिंग के समय, शाम के समय अभी बज चुका है 4:54, तो 5 बजने वाला है। तो ऐसे जाएंगे अभी लेफ्ट हैंड साइड, फिर पहुंच गया हूँ मैं अभी नेशनल हाईवे स्टेडियम के पास, यहाँ पे है फुटबॉल स्टेडियम। यहाँ से जाएंगे अभी, फिर आ गया हूँ गाइस वापस से अपने कॉलोनी। तो हियर इज द डीसी बंगलो, डीसी बंगलो ये पागलेक, यहाँ के डीसी के बंगलो है क्वार्टर, तो यही है अपने कॉलोनी। तो अभी मैं आ गया हूँ गैस कोमली घाट, कोमली घाट में वहाँ पे कुछ बनाया जा रहा था, उसको भी देखते हैं क्या क्या बनाया जा रहा है अभी, तो आपको भी दिखाते हैं, शेयर करते हैं। तो चले गए ऊपर की ओर जाके देख लेते हैं क्या क्या बनाया है। तो वहाँ पे कुछ स्टैचू लुक है, वहाँ पे जो पहले ज़माने के फ्रीडम फाइटर लुक जो था, मींस वॉरियर्स लोग का, वो लोग का स्टैचू लुक को आपको दिखाएंगे किस तरह से वहाँ पे बनाया दिया गया है। शाम के समय हैंग आउट करने के लिए गए, अभी बहुत ही ठंडा ठंडा वाला चिल हवा मारेगा शाम के समय में। सो गैस यहाँ पे है कुछ इस तरह से अभी राइट नाउ, नदी बहुत बड़ा हो गया है, मानसून के सीजन आ रहा है, असली वाला बारिश तो अभी तक आया नहीं है, जब असली वाला। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बनाया जा गया है, पता नहीं क्या होगा ये, कृपया आप देख सकते हो रिसेंटली कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, क्या बनेगा। तो जस्ट यहाँ पे है गैस स्टेचू, ब्रिटिश समय में यहाँ पे जो एंग्लो अबर वार हुआ था, तो वहाँ पे है एंग्लो अबर वार के जो मीन्स जो वॉरियर्स लोग थे, तो उसके लिए यहाँ पे भी बनाया जा रहा है, ट्रक भर के कुछ लेके आया है ईटा ईटा, ये टाइल्स टाइप वाला बनाएगा होगा, यहाँ पे कुछ गिराया जा रहा है बहुत बढ़िया से। ओके अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा खूबसूरत से बनाने से, बहुत सारे लोग भी आएंगे, बाहर से भी टूरिस्ट लोग भी आएगा हैंग आउट करने,
क्योंकि ये बहुत पास पे है, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर गाइस सियांग रिवर कहा जाता है अरुणाचल पे, तो यहाँ पे तो पासीघाट पे तो यहाँ पे है कुछ इस तरह से। एंड मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से, ये लो ये यहाँ पे है कुछ इस तरह से बनाया दिया गया है, कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, यू कैन सी हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली ये कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, आई थिंक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप ये नाम लोग यहाँ पे आई थिंक मेंशन करेगा होगा, अभी इतना आइडिया नहीं है, मेंशन नहीं कर दिया गया है नाम लोग को। तो यही है गैस, आपको ये दिखाना थे कॉम्युनिकेट पे अभी रिसेंटली ये बनाया दिया गया है। मुझे भी पता नहीं था रिसेंटली, उस दिन ही कुछ दिन पहले खबर मिला है, तो आप लोगों को भी दिखाना था, शेयर कर रहे थे, तो यही है। तो चलिए गैस चलेंगे अभी फिर से वापस, अभी जाएंगे राइट करके अपने कॉलोनी की ओर, दिखाएंगे आपको। आ गया है अभी पार्किंग लॉज, यहाँ पे है पार्किंग एरिया, तो यहाँ पे अपने बाइक लेके चलिए निकलते हैं एंड राइडिंग आपको दिखाएंगे अभी फिर इधर उधर घूम के। और यहाँ पे ये गेट लोग बना रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, और इसके लिए गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकता है, तो यहाँ पे सब लोग पार्क करके रखना पड़ता है, दैट्स व्हाई। तो मे बी यहाँ पे रख दिया है अपने बाइक को, तो चलिए निकलेंगे यहाँ से। आज मौसम बहुत ही बढ़िया है, क्लाउडी मौसम, तो वहाँ पे आप देख सकते हो पूरे क्लाउड अभी इवेपोरेट हो रहे हैं पहाड़ से। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है पासीघाट पे, तो कुछ साल पहले गैस यहाँ पे भी रास्ता कुछ इस तरह से नहीं था, बहुत ही ख़राब होता था ये रास्ते, गड्ढा गुड्डी पूरा कीचड़ वाला रास्ता होता था, लेकिन अभी बहुत ही डेवलप हो चुका है, यू कैन सी हियर बहुत अच्छे से बनाया दिया गया है सीमेंट से रास्ता लोग, बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट ला रहे हैं यहाँ पे, कुछ इस तरह से बनाया दिया गया है। रिसेंटली यहाँ पे बहुत बड़े से गड्ढे बनाए गए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी लोग भी फंस रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लुक है, रास्ता लुक जैसे भी से खान के बहुत बड़ा हो गया था, वहाँ पे बहुत सारा गाड़ी फंसता था वहाँ पे, क्योंकि पता नहीं चलता है, और कुछ वार्निंग वाला कुछ सिग्नल उग्नल वहाँ में नहीं थे, तो उसकी वजह से फंसता था। बस यही है आज का, जस्ट रोमिंग कर रहे थे पासीघाट पहुँच के, चांगलांग से पासीघाट पहुँच के आपको बस ब्लॉग बना रहे थे घूम के, तो क्योंकि आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है। सो गाइस यही है, आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ अपने यहाँ पे कॉलोनी पे। तो आज का मेरा वीडियो बस इतना ही, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, पीस।